सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन सहायता को और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए हर रोज लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गूगल एडसेंस के अंदर एक नया फीचर ऐड किया गया है ऑटो एड्स के नाम से, तो इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटो एड्स उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई ब्लॉग है या फिर वेबसाइट है और वो अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट के ऊपर एडसेंस से एड लगाते हैं या फिर लगाना चाहते हैं। अब देखिए, ऑटो एड से आप सिर्फ एक एड कोड से अपने पूरी वेबसाइट पे एड लगा सकते हो। जैसे कि देखिए, पहले जब भी हम कोई आर्टिकल लिखते थे या फिर कोई भी पोस्ट हमारी वेबसाइट पे डालते थे तो उस पोस्ट के अंदर हमें अलग से एड लगानी होती थी और साथ में हमें ये भी ध्यान में रखना होता था कि किस टाइप की हमें एड लगानी है। इमेज एड लगानी है, टेक्स्ट एड लगानी है, लिंक्स एड लगानी है, किस टाइप की हमें एड लगानी है और किस साइज की हमें एड लगानी है। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर एड लगानी होती थी, लेकिन ऑटो एड्स के अंदर हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा। ऑटो एड्स के अंदर हम सिर्फ एक कोड से अपनी पूरी वेबसाइट पे एड लगा सकते हैं और गूगल एडसेंस खुद से डिसाइड करेगा कि कौन सी एड कहाँ पे दिखानी है और किस टाइप की एड कहाँ पे दिखानी है। इससे होगा ये कि आपका आर्टिकल जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी की एड आपके आर्टिकल के अंदर दिखाई जाएंगी। इससे आपकी एड्स पे ज्यादा क्लिक होंगे और ज्यादा क्लिक से आपको ज्यादा अर्निंग होगी, तो इससे आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ जाएगी। अब देखिए, ऑटो एड्स को आप अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट के अंदर कैसे लगाओगे, उसके लिए जब आप एडसेंस ओपन करते हो तो होम पेज पे आपको ये ऑटो एड्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है सेट अप नाउ, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए या फिर देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा माय एड्स का, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब इसके अंदर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ऑटो एड्स का, तो यहाँ से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है गेट स्टार्ट, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको सभी टाइप की एड्स यहाँ पे दिखा दी जाएंगी, तो आप जिस टाइप की एड को अपने वेबसाइट पे लगाना चाहते हो उनको यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। यदि सभी लगाना चाहते हो तो सभी को यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिकली गेट न्यू फॉर्मेट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक कोड दे दिया जाएगा, तो आपको इस कोड को हेड के अंदर पेस्ट करना है। अब देखिए वो कैसे करना है वो भी देख लीजिए। तो पहले तो आप इस कोड को कॉपी कर लीजिए, आप इसे सेलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन भी मिल जाता है। ओके, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और आपका जो कोड है वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप ब्लॉगर के अंदर आ जाइए, ब्लॉगर के अंदर आपको थीम पे क्लिक करना है और उसके बाद एडिट एचटीएमएल पे क्लिक कर देना है। अब देखिए एचटीएमएल के अंदर आपको यहाँ पे हेड का ऑप्शन मिल जाता है, यदि आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको देखिए करना क्या है, आपको यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर एक बार क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एफ दबा देना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे हेड को सर्च कर लेना है। ओके, तो सर्च करने के बाद आपको हेड टैग मिल जाएगा, आपको इसके आगे क्लिक करना है और एक बार एंटर दबा देना है। उसके बाद इसके नीचे आपको उस कोड को पेस्ट कर देना है, कोड को पेस्ट कर देने के बाद आपको अपनी थीम को सेव कर लेना है। थीम सेव होने के बाद आप बैक आ जाइए और दोबारा से एडसेंस के अंदर आ जाइए। अब देखिए आपको 10 से 20 मिनट तक वेट करना है, उसके बाद आपके ब्लॉग या फिर वेबसाइट के ऊपर एड्स आने स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए ऑटो एड्स का इस्तेमाल करने से आपको अपने आर्टिकल या फिर पोस्ट के अंदर बार बार एड लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब जब भी आप अपने वेबसाइट के ऊपर कोई नई पोस्ट या फिर आर्टिकल डालोगे तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक एड आ जाएंगी, वो भी जिस कैटेगरी के अंदर आपने आर्टिकल लिखा है उसी कैटेगरी के एड उस आर्टिकल के अंदर दिखाई जाएंगी। तो आपको बस एक बार इसे स्टार्ट करना है और इसका कोड अपनी वेबसाइट में लगाना है, उसके बाद आपको कभी भी एड लगाने की जरूरत नहीं होगी। यदि आप कभी आगे चल के अपने एड्स को चेंज करना चाहते हैं तो उन एड को आप एडसेंस से ही चेंज कर सकते हो, यानी कि आपको अलग से कोई कोड डालने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, आपको एडसेंस के अंदर ऑटो एड्स ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहीं से आप अपनी सभी एड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। किस टाइप की एड्स आप अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट पे दिखाना चाहते हो उनको यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको बार बार अलग अलग कोड अपनी वेबसाइट के अंदर पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कोड से ही आप अपनी सभी एड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है और आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इससे आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी और आपका टाइम भी बचेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि ऑटो एड्स क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपके कोई सवाल है या फिर ऑटो एड्स के बारे में आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।